गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय लास्ट ईयर मुंबई व्लॉग। यस, आई मेड दिस ट्रिप लास्ट ईयर, बट फॉर सम रीजन आई डिडंट गेट टाइम टू एडिट द वीडियो बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशन। सो इट वाज एन अनप्लान्ड ट्रिप एंड आई डिडंट गेट द टिकट्स। सो मैंने जैसे तैसे स्लीपर क्लास में मैनेज किया एक टिकट एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ स्लीपर क्लास टिकट बिकॉज Look at the view, man. It's so beautiful. और क्योंकि ये बारिश का टाइम था, ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। हे गाइस, सो आई रीच्ड मुंबई और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले चेक इन किया और मैं पूरी तरह से भीग गई थी। सो आई चेंज माय क्लोथ और सब कुछ काफ़ी बिखरा पड़ा है। आई शो यू माय रूम और ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा रूम है, बहुत ही छोटा है बट बहुत ही कोजी एंड कम्फर्टेबल है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अराउंड। सो यस, here I am and you can see, okay, so काफ़ी भीग गई थी मैं और I look like a complete mess but that's fine। और यहाँ पर this is the main door और ये बहुत ही छोटा है। like अगर मैं यहाँ पर main door पर खड़ी हो जाती हूँ तो you can see the room। यहाँ here is my luggage, my bag और यहाँ पर मेरा laptop bag है and this is how the room looks। so let me come into the frame। सो यस, फिलहाल आई डोंट हैव एनी प्लान क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको शायद आवाज़ आ भी रही होगी। फिलहाल तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम और मुझे बहुत भूख लगी है। और यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर करती हूँ कि बाहर से मंगाती हूँ, नॉट श्योर क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गो आउट एंड हैव सम लोकल वड़ा पाव बट दैट्स नॉट पॉसिबल। 2 hours later. So next day after finishing my meeting, I had some time. So I thought let's explore the Thane area because I was staying there. So I just took a local train क्योंकि मेरी meeting चर्च गेट के पास थी एंड आई हैड टू गो बैक टू थाने। सो आई जस्ट टुक अ लोकल एंड थाने पहुंचने के बाद आई जस्ट एक्सप्लोर द एरिया और मैंने थोड़ी बहुत वहां पे शॉपिंग करी लाइक दिस मोबाइल कवर एंड ऑल, दिस वाज सो क्यूट। एंड उसके बाद आई वेंट टू दिस टी शॉप विच इज़ वेरी फेमस। सो इस टी शॉप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बट दिस टी शॉप इज़ वेरी फेमस देयर एंड ओ माई गॉड द टी वॉज so 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 good, I can't tell you guys। मैंने I think उन दो घंटों में 4 से 5 कप चाय पी ली होगी। just look at the tea, it's so thick and इसका जो flavor था that was like so amazing। सो उसके बाद मैं निकल पड़ी प्रीति सैंडविच सेंटर। मुझे बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया था कि वहाँ की सैंडविच बहुत ही डिलीशियस होती है। सो मुझे वहाँ से कुछ देर के लिए वॉक करके जाना था एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले और वेदर बहुत ही अच्छा था। सो उसके बाद मैं पहुँची प्रीति सैंडविच सेंटर बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। सो I had to come back और मैंने वहाँ पे एक मिसल पाव की शॉप है which is very famous, उसका भी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो वहाँ पे मैंने मिसल पाव खाई एंड आई लव मिसल पाव। मुझे मुंबई का वड़ा पाव, मिसल पाव एंड पाव भाजी बहुत ही पसंद है, लाइक आई कैन लिटरली हैव इट थ्रू आउट द डे। उसके बाद मैं गई प्रशांत कॉर्नर क्योंकि इस शॉप के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था एंड गाइज आई जस्ट लव द वैरायटी। वहाँ पे इतने सारे वैरायटी थे फरसान के, नमकीन के
और दे हैड लाइक सो मेनी वराइटीज इन स्वीट्स, लाइक यू कैन सी इट. वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा वराइटी मिल जाएगी स्वीट्स की कि यू विल गेट कन्फ्यूज कि आपको कौन सा लेना है. देन दे ऑल्सो हैड सम स्नैक आइटम विच यू कैन सी, बहुत ही सारे ऑप्शन अवेलेबल थे. बट मैं तो वहाँ पर ट्राई करने गई थी जलेबी एंड रबड़ी. सो दे वर सर्विंग दिस क्रंची गर्मा गर्म जलेबी विथ ठंडी ठंडी रबड़ी विच वॉज लाइक डिलीशियस गाइज. आई मीन यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस. और तो या दैट वॉज द डे. और उसके बाद मेरी ट्रेन की टाइम हो चुकी थी, सो आई टुक लोकल एंड सो आई जस्ट रीच्ड CST. और वहाँ पहुँच के मैंने पार्सल करवाया अपने फेवरेट वड़ा पाव, बिकॉज आई लव वड़ा पाव. और जी हाँ, यही था मेरा एक दिन मुंबई में, अ डे इन मुंबई. एंड आई होप यू एन्जॉयड इट. एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय मुंबई.